क्या वजह है अंदाज वजह पे इतने सारे क्रिया प्रतिक्रिया भी होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जेल भी जाना पड़ा अनुराग ओझा को, किस मत पे? क्योंकि कई सारे आरोप भी हैं कि अनुराग ओझा किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। अनुराग, जब राम मंदिर का निर्माण हो गया, बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो फिर राम मंदिर का निर्माण हो गया, फिर आपको दिक्कत किस बात की हो रही है? भैया देखो, मैं एक सनातनी ब्राह्मण होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं, और देश के किसी भी व्यक्ति को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बताइए दिक्कत किसको है राम मंदिर? आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है? एक सवाल है, मुझे दिक्कत तो फिर दिक्कत किसको है? भारतीय जनता पार्टी शुरू से हिंदू मुसलमान की राजनीति खेल रही है, और तारीख नहीं बताएंगे मंदिर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब कोर्ट कब फैसला करता है कि हमको नहीं पता, हमारे ऊपर जैसे लगा है 506, 505, 504, तो हमको नहीं ना पता फैसला कब आएगा, लेकिन इंसाफ अनुराग ओझा को मिलेगा, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख तब होगी, भगवान जाने। मंदिर जो बना, तो क्या मंदिर के लिए आप इतना भी ये नहीं है कि मंदिर में आपने भी दर्शन किया? मैंने कई वीडियो देखा कि आप भी दर्शन करने गए, और कहीं और मंदिर पे इस तरह की प्रतिक्रिया भी आती है कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहे, कुछ और भी चीजें बननी थी। देखिए, लोगों का बयान रहा होगा, अनुराग ओझा ने कभी नहीं कहा है कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए कि क्या बनना चाहिए। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि मंदिर मस्जिद बना ना बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है, और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। मंदिर तो बना रहे, बहुत अच्छी बात है, मंदिर बनाइए, मस्जिद भी बना रहे, मोदी जी उद्घाटन भी करने जाए, और अच्छी बात है। लेकिन आप बताइए कि IIT क्यों नहीं बन रहा है, स्कूल क्यों नहीं बन रहा है, कॉलेज क्यों नहीं बन रहे, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन रहे हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा है? इसका जवाब आप दे पाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता दे पाएगा? क्यों? क्योंकि उनको मंदिर मस्जिद पे ही चुनाव लड़ना है। वास्तविक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत रही है कि चुनाव लड़ दे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी को लाया था, मैं मानूं राम को लाए हैं, राम का ही अपमान है कहीं ना कहीं। और ये जिसने भी गाना गाया है ना, वो हमारे सामने एक बार आ जाए, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। ये मतलब फिजूल जो बातें होती है ना साहब, ये मतलब राम को लाने वाला कौन है? राम हमको लेकर आए हैं, आपको लेकर, राम तो सबको लेकर आए हैं। अब कल वो बोल देंगे कि हम अपने बाबूजी को लेकर आए थे, हम जेठ हैं, अब हम मानिएगा? तो सारा श्रेय तो जनता पूरे दे ही रही है, मोदी को ही दे रही है। मोदी जी को कैसे दे रही है? मोदी जी को कैसे दे रही है? आप बताइए, आप देख लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा से देख कर मैं बता दूं कि आप उस देश के ही नागरिक हैं, और मैं भी उस देश का ही नागरिक हूं, मैं मंगल ग्रह से नहीं आया हूं, ठीक? तो मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप कह रहे हैं मोदी का आदेश है, मतलब आप मानते हैं कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के इशारों पर काम करता है? बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं मोदी जी पर। क्या प्रधानमंत्री के इशारों पर कोर्ट काम करता है बताइए भाई? जनता का इस तरह, जनता की अदालत में इस तरह का ये आ रहा है कि जो भी काम हो रहे हैं, मोदी सरकार में 370 की धारा भी खत्म हुई, अब इस पे बताइए। देखिए, 370 भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था, अब 370 हटने के बाद आप कितनी बार कश्मीर गए हैं? 370 हटने के बाद आप कितनी बार कश्मीर गए हैं? इस जनता को गुमराह करने का एक तरीका है, जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया, जनता ने हिसाब पूछा तो राम मंदिर दिखा दिया। तो इनकी आदत है शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है तब से ये हिंदू मुसलमान करने में माहिर है, और हिंदू मुसलमान के साहब अब 24 में तो राजनीति नहीं चलने वाली है। कहना 400 से ऊपर सीटें लाएंगे, अब मतलब साफ है 400 से ऊपर आएंगे, ये हम नहीं कह रहे भैया, जनता ने भी नहीं कहा है, यहां तो भैया लोकतंत्र है, जनता चुनता है। अब आप बताइए कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 400 पार होगी, मतलब ईवीएम में घपला। आपने अभी देखा होगा मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़, चंडीगढ़, अब वहां पे कैसे धांधली हुई थी, सीसीटीवी अगर नहीं लगा होता तो इनकी जो धांधली है उजागर न हुई होती। मतलब साफ है कि 24 के चुनाव में भी बेईमानी करने वाले हैं, तो ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार, अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार, भाजपा इतना अत्याचार कर दी है साहब जितना अंग्रेज भी नहीं थे। जो डलहौजी ना कर पाए वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो देश की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। पहले चाय बेची, आप देश बेच रहा है, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता, करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1100 पार, कहां सोया है चौकीदार भाई? मैं एक चीज बताऊं आपको कि चौकीदार कुत्ता काहे पालता है? चौकीदार कुत्ता इसलिए पालता है ताकि वो गहरी नींद में सोता रहे और कुत्ते भूखते रहे। तो आज के कुत्ते कौन है भैया? समझदार के लिए इशारा ही काफी है, और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार में हो रही है, जहां बृजभूषण सिंह का जो इनके सांसद हैं उस पर इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी उनको अपना सांसद मानती है, क्या है इस पर?
ठीक है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार भी तुम्हारा है, अदालत भी तुम्हारा है। तो देखिए आरोप जो लगे थे, मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से विवेचना होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन आज की सरकार, आज का शासन सब ठप मार के बैठा है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी वो नहीं था, गलती से नहीं, गलती के लिए माफी होती है, क्षमा बड़न को माफी चाहिए, छोटन को उत्पाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह सकते थे कि हमसे गलती हो गई भी, हमसे गलती होती है तो हम बोल देते कि भैया अनुराग वजह से गलती हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी बड़ी गलती हो गई, ये बेसरपन है कि बोल नहीं रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का उन्होंने नारा दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं बलात्कार के आरोपी हैं। आप बताइए कि बीजेपी में आप चले जाइएगा, कितना भी बड़े बलात्कारी हैं आपको पूरा संरक्षण मिलेगा, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो, अगर जैसे पहलवानों वाला मैटर, अगर कोई दूसरा विपक्ष का नेता होता तो उसके घर पे ईडी और सीबीआई पता नहीं कौन कौन सा संबंध जाके बाबा का बुलडोजर घूम रहा होता। मैं नेताजी पर कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आरोप लगे हैं, आपको पता होगा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि कोई औरत किसी जब किसी पे आरोप लगाती है तो उसकी मतलब पूरी इज्जत, मतलब पूरे खानदान की इज्जत उसमें होती है। अब बताइए जो पहलवान थे वो बेफालतू में तो और किसी पे नहीं लगाया, उन्होंने सांसद जी पे ही क्यों लगाया, ये बात पूछता है भारत। और आप जैसे पत्रकारों का फर्ज बनता है कि उनका इंटरव्यू लिया जाए और पूछा जाए। नहीं, इंटरव्यू में कई पत्रकार द्वारा सवाल पूछे गए, मिसबिहेव भी हुआ पत्रकारों के साथ, उसके बावजूद भी सरकार उस पर तो कुछ बोली नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि पत्रकारों की कितनी हैसियत है, 2014 से पहले पत्रकारों की वैल्यू थी, और आज के पत्रकारों की तीन दवाई हो रही है, जूता चप्पल और कुटाई हो रही है। जो सरकार से पूछेगा सवाल उसके घर पे ईडी सीबीआई जाएगी, जेल मुकदमा डाल दिया जाएगा। हम तो भाई लड़ने वाले हैं। दिनकर साहब ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सोरमा नहीं विचलित होते, बिरहों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। और आपसे हमारी जब बात हुई तो आपने हमसे एक लाइन बताया था, हमारे दिल को छू गई थी, इसलिए हम आपको इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि हम चूहा हैं भाई, बोरी नहीं ढो सकते तो कुतुर तो सकते हैं ना, तो हम सांसद जी का या फिर मोदी जी का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम बोल सकते हैं। बोलता हुआ जिनमें जान होती है अगर, तो मुर्दों की पहचान होती है, तो बोलना साहब बहुत जरूरी है। गालियां दी जाती हैं और कहते हैं कि नेहरू और गांधी ने देश को बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं किया, तो नेहरू और गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए गांधी के बारे में मैं मतलब गांधी के आगे मैं कुछ हूं ही नहीं, तो मैं गांधी जी के बारे में क्या बताऊं भाई। और वही लोग गांधी और नेहरू को गरियाते हैं जो अपने माँ बाप को गरियाते हैं, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो गांधी और नेहरू का होने वाला नहीं। आप कितना भी निकम्मा हो जाएंगे, कितना भी निकम्मा हो जाएंगे, फिर भी अपनी 80 साल बूढ़ी माँ को एटीएम के बाहर नहीं खड़ा करेंगे। और घर में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ना साहब, तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, खेत बेच देता है, खलिहान बेच देता है, जेवर बेच देता है। तो वर्तमान सरकार वही कर रही है। बताइए कि अपने मोदी जी नोटबंदी के समय में अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दिया, उन्होंने मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो अपनी माँ को भैया सगा नहीं हुआ नेहरू और गांधी का सगा होगा। नेहरू और गांधी को गाली देने से पहले नेहरू और गांधी के बारे में पढ़िए। गांधी जी मतलब ट्रेन से धक्का दे दिया था, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ गए थे, और गांव के प्रधान से जो लड़ने की हिम्मत नहीं रखता है, पांच सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखता है, वही लोग नेहरू और गांधी को गरियाते हैं। आपने कहा कि एटीएम के बाहर अपनी माँ को खड़ा कर दिया गया, निकम्मापन है भाई, निकम्मापन नहीं। उन्होंने देश को ये दिखाया कि मैं अपनी बूढ़ी मेरी माँ खड़ी हो सकती है, तो फिर और भी आदमी क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं। मनोज तिवारी ने गाना भी गाया था कि देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़, और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। जब नोटबंदी में लोग खड़े थे तो मनोज तिवारी जी गए थे पैसा निकालने, तो लोगों ने कहा कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा कि देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़, और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। ये कौन सी भाई, कौन सी अपनी माँ का, भाई कितना भी निकम्मा, मैं फिर वही बोलता हूँ कि कितना भी निकम्मा होगा कोई निकल, आप खड़ा करेंगे देश हित में, क्या देश हित में कौन सा माँ। अरे भाई देखो मैं माँ पे ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन तो क्या नरेंद्र मोदी निकम्मे हैं? बिल्कुल बिल्कुल निकम्मापन है ये, जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ देशवासियों का सगा नहीं होगा। नेहरू जी के बारे में पहले पढ़िए, अगर नेहरू को गरियाना है तो नेहरू जैसा बनो पहले, नेहरू जैसा मोदी जी बन पाएंगे? 24 घंटा सदन के अंदर नेहरू को गरियाने का काम करते हैं, 24 घंटा गांधी को 24 घंटा लोग गरियाने का काम करते हैं, लेकिन गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है इनको। विदेश में जाके नहीं कहते हैं कि गोडसे की वजह से हमारी पहचान है, उनको बताना पड़ता है गांधी की वजह से हमारी पहचान है। गोडसे का क्या इतिहास है भाई, गांधी का इतिहास है, नेहरू का इतिहास है, पटेल साहब का इतिहास है, अंबेडकर साहब का इतिहास है, लेकिन ये लोग गरियाने में माहिर हैं।
हम लोग पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तो चोर का तो काम ही होता है कि शरीफों को गरिया जाए। गांधी की वजह से तो भगत सिंह को फांसी हुई, ये किसने कह दिया भाई? आप पढ़िए, बताइए, इरविन समझौता आप पढ़िए। उन्होंने तो पर्सनल मिलने के लिए बोला, उन्होंने ये कहा कि हम सजा कम करवा, मतलब तारीख बढ़वा सकते हैं, लेकिन फांसी नहीं रुकवा सकते। गांधी जी ने तो उनसे पर्सनल मीटिंग की उसके लिए। भाई कौन कह रहा है भाई कि गांधी जी की वजह से भगत सिंह को फांसी हुई? कौन कह रहे हैं ये लोग? कहां कहां से आते हैं आज की युवा पीढ़ी? आज की युवा पीढ़ी थोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। गांधी जी क्या कहा करते थे आपको पता है? हे राम। और गोडसे क्या कहा करता था? जय श्री राम। तो आज के जो जय श्री राम वाले हैं ना, वही गोडसे हैं और वही गांधी को गरियाने का काम करते हैं। किसका खून नहीं खोलेगा पर सुनकर अखबारों में शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबार में? मोदी जी का तो भैया, मोदी जी उनके जो भक्त हैं उनके बारे में तो जितनी उनकी आलोचना की जाए उतना कम है। और गांधी और नेहरू को मैं कह रहा हूं कि जो भी गरियाते हैं पहले गांधी और नेहरू को, अगर एक इतना पढ़ लेंगे ना इतना रत्ती भर, तो गांधी और नेहरू को गरियाना भूल जाएंगे। तो बिना पढ़े हुए हैं सब, बिल्कुल अनपढ़ हैं लोग। गांधी को किसने गरिया रहे हैं आप बताइए? आप तो नहीं गरिया रहे हैं ना? नहीं, मैं तो गांधी को पूछता हूं, पूछता हूं गांधी को, बिल्कुल गांधी जी पूजनीय है, पटेल साहब पूजनीय है। लेकिन आज की जो सरकार है उनके दौर में, जब से उनका दौर आया 2014 के बाद में, क्या युवा 2014 से पहले नहीं थे? आप 2014 से पहले युवा रहे, यंग रहे होंगे, हैं? अब बताइए कि आप तब तो नहीं गरियाते थे? लेकिन आज का जो युवा है वो गांधी को गरिया क्यों रहा? अगर गांधी को लेकर, गांधी कितना डिग्री अगर हो जाए तो गांधी को गरियो, नेहरू कितना ज्ञान हो जाए तो नेहरू को गरियो, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि उनको क्या चाहिए? फेसबुक का ज्ञान है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जितना सिलेबस जाता है ना उतना ही वो लोग पढ़ते हैं, उससे परे कुछ नहीं जाएंगे। और गरियाने वाले तो भैया अपने माता पिता को गरियाते हैं, नेहरू और गांधी की तो बात है।